हाय दोस्तों, मैं मनोज सर, डेली करंट अफेयर्स पीसीएस 2024। तो देखिए दोस्तों, आज इसके आगे मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए, आज है कि दोस्तों, वह राज्य जिसने अक्टूबर 2023 में मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया, उत्तर प्रदेश है दोस्तों। अक्टूबर 2023 में भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य में किया गया? तो बकलोह, हिमाचल प्रदेश। अगला देखिए, 7 अक्टूबर 2023 को विश्व कपास दिवस पर केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास के ब्रांड का नाम क्या है? कस्तूरी काटन भारत। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अक्टूबर 2023 को कहाँ पे समक्का और सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी गई है? तेलंगाना के मुलुंग में। अगला देखिए, 19 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटक संगठन द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 सूची में कच्छ गुजरात के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया? धोरडो। अगला देखिए, संयुक्त अरब अमीरी रात की दुबई में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 दिसंबर 2023 को किस पहल की शुरुआत की घोषणा की है? ग्रीन क्रेडिट पहल। अगला देखिए, इस पहल के तहत बजरंग भूमि में वृक्षारोपण कर हवा में उपस्थित कार्बन को सोखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर 2023 को कहां पर देश की 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? देवघर, झारखंड। अगला देखिए, नवंबर 2023 की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी है दिशा नाइक। अगला देखिए, भारत में अमेरिकी राजदूत इरी गौरसेंटी ने 29 नवंबर 2023 को कहां पे द हब द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया है? पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट में, अरुणाचल प्रदेश। दिसंबर 2023 में जल शक्ति मंत्रालय ने कहां पे जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया है? नई दिल्ली। दिसंबर 2023 में भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म किस नाम से लॉन्च किया गया है? ब्लड प्लस। 17 नवंबर 2023 को दूसरी वायरस ग्लोबल साउथ समिट का वर्चुअल माध्यम से आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया है? भारत। अगला देखिए, इस समिट की थीम थी टुगेदर फॉर एम्ब्रिएशन ग्रोथ विद एब्रियन ट्रस्ट। नवंबर 2023 में नारियल विकास बोर्ड ने कहां पर कॉल सेंटर खोला है? तो कोच्ची में। अगला देखिए, इस कॉल सेंटर का उद्देश्य किसानों को नारियल कटाई और पौधे प्रबंधन कार्यों में मदद करना। नवंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग की थीम क्या थी? मैरीटाइम कनेक्टिविटी थ्रू शिपिंग एंड ट्रेड। अगला देखिए, नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत किस राज्य में की गई थी? खूंटी, झारखंड में। अगला देखिए, नवंबर 2023 में चर्चा में रही सिल क्यारा सुरंग किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ भी क्या है, यहाँ पर देखिए कि वह देश जिसने नवंबर 2023 में भारत में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है, अफगानिस्तान। 21 नवंबर 2023 को गुजरात ने किस प्रसिद्ध मछली को राज्य में राजकीय मछली का दर्जा प्रदान किया है? घोल मछली। अगला देखिए, वह राज्य जिसे नवंबर 2023 में काजू के लिए भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ? गोवा। अगला देखिए, नवंबर 2023 में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने घरेलू आवास क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से रेटिंग और प्रमाणन पहल को शुरू किया गया है? नेस्ट। अगला देखिए, हाल ही में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान खगोलविदों ने हानले लद्दाख में स्थित वेधशाला में हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप से किस रहस्य धूमकेतु की तस्वीर लेने की सफलता प्राप्त की? धूमकेतु P12 पोन्स ब्रुक्स। अगला देखिए, लंदन स्थित लग्जरी ट्रेवल पत्रिका कोटनॉस्ट ने भारत के किस शहर को वर्ष 2024 में एशियन में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक को सूचीबद्ध किया है? कोच्ची, केरल। अगला देखिए, हरियाणा के फरीदाबाद में 17 से 20 जनवरी 2024 तक आयोजित किए गए 9वीं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का केंद्रीय विषय क्या था? अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। अगला देखिए, नवंबर 2023 में किस राज्य में ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई है? जम्मू कश्मीर। यह रेलगाड़ी विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक तीर्थ यात्रा के रूप में कार्य करेगी। भारत ने नवंबर 2023 में किस देश के साथ इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हैंडशेक पहल को लॉन्च किया? अमेरिका। अगला देखिए, असम के किन 2 रेलवे स्टेशनों को नवंबर 2023 में ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? तो रंगिया और मरियाना रेलवे स्टेशन। अगला देखिए, गुजरात और पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का पहला रेल कोच रेस्तरा नवंबर 2023 में किस नाम से राजकोट में लॉन्च किया गया है? ट्रैक साइड तड़का। अगला देखिए,
हाल ही में किस हिमालयी राज्य में एलिसियस हिमालय नामक पौधे की एक प्रजाति खोज की गई है? अरुणाचल प्रदेश। राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस 10 नवंबर 2023 की थीम क्या थी? आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। अगला देखिए, नवंबर 2023 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने महादेव वन्यजीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है? गोवा। और अगला देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? गुजरात। नवंबर 2023 में भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? संग्राम। अगला देखिए, सितंबर 2023 में जारी दुनिया के 132 देशों में आयोजित वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा रैंक प्रदान किया गया? 40वीं। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा सितंबर 2023 में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई है 56वीं। अगला देखिए, सितंबर 2023 में भारत के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जहां एवरेस्ट का उद्घाटन कहां पे किया गया? मसूरी, उत्तराखंड। अगला देखिए दोस्तों, नई दिल्ली में 25 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बॉक्स को हरी झंडी दिखाई गई। इस सेल बस का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? इंडियन ऑयल IOCL। अगला देखिए, 19 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम क्या रख दिया गया? संविधान संसद। अगला देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सितंबर 2023 में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में 3 शीर्ष स्थान पर रहने वाला शहर कौन है? इंदौर, आगरा और ठाणे। अगला देखिए दोस्तों, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स और नेशनल इलेक्शन वॉच 10 सितंबर में जारी रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? केरल। बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की है? पटना। अगला देखिए, सितंबर 2023 में भारतीय सेना में शामिल की गई DRDO द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस विभव। अगला देखिए, यहाँ पे क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कितने राज्यों को जोड़ने वाले 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की हरी झंडी दी है? 11 राज्य। कितने हैं दोस्तों? 11 है। ठीक, अगला देखिए, इसमें राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात। अगला देखिए दोस्तों, केंद्रीय पर्यटक मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के किस गाँव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गाँव घोषित किया है? किरीटेश्वरी। अगला देखिए, यहाँ पे क्या है, सितंबर 2023 में केरल को अपने किस मार्ग पर पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है? तो अलपुंझा के रास्ते कॉसरेट गोड तिरुवनंतपुरम मार्ग। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, सितंबर 2023 में कहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है? नई दिल्ली में। अगला देखिए, सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किस ऑनलाइन मॉड्यूल को लॉन्च किया गया है? CRI 3rd और 04 गुड। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, सऊदी अरब की रियाद में 25 सितंबर 2023 को संपन्न विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में किन 2 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, होयसल के पवित्र मंदिर कर्नाटक। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, 14 से 16 सितंबर 2023 तक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के दक्षिण एशिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए कि वह राज्य सरकार जिसने माताओं और किशोरों बालिकाओं और बच्चों के बीच पोषण संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए 14 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत की? उड़ीसा में। अगला देखिए, 18 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के ओमकेश्वर में मान्यता पर्वत पर महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस प्रतिमा का नाम दिया गया स्टेचू ऑफ बननेस। अगला देखिए, सितंबर 2023 में संसद से पारित नारी शक्ति बंधन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 33%। अगला देखिए, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 19 अगस्त 2023 को किस ट्यूलिप गार्डन को एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन घोषित किया गया है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर। और उदयपुर राजस्थान में 21 से 22 अगस्त 2023 को आयोजित 9वीं राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी? डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को सुदृढ़ करना। अगला देखिए, अगस्त 2023 में भारत में पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? बेंगलुरु में। 18 अगस्त 2023 को G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई है? गांधीनगर गुजरात।
कहाँ पर भारत का सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे बनाने का निर्णय लिया गया है? बेंगलुरु। अगला देखिए दोस्तों, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल अगस्त 2023 में कहाँ पे शुरू किया गया? तिरुवनंतपुरम, केरल। वह राज्य सरकार जिसने अगस्त 2023 में आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना प्रारंभ की है? महाराष्ट्र। अगला देखिए, राजस्थान में देश के 54वें टाइगर रिजर्व के रूप में किसे मंजूरी दी गई है? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को। अगला देखिए, अगस्त 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया गया? गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को। अगला देखिए, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जापानी अंतरिक्ष संगठन जाक्सा जाक्सा के साथ मिलकर किस नाम से चंद्रमा पर अगला मिशन 2024-25 में भेजने का समझौता किया? लुपेक्स एक्स मिशन। अगला देखिए, 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने मून लैंडर को सफलतापूर्वक लैंड कराने वाला दुनिया का पहला देश बना है भारत। अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य में दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अलवणीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी है? तमिलनाडु। अगला देखिए, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित 108 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल को किस नाम नई प्रजाति का अनावरण लखनऊ में 19 अगस्त 2023 को किया गया? नमो 108। अगला देखिए, भारत की विमान कंपनी एयर इंडिया ने अगस्त 2023 में किस नाम से अपने नए लोगों को जारी किया है? द विस्टा। अगला देखिए दोस्तों, वह प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेटर जिन्होंने पश्चिम बंगाल की सरकार ने नवंबर 2023 में अपने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सौरव गांगुली को। विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक सांस्कृतिक संगठन द्वारा दुनिया के 55 शहरों को रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की गई। इन शहरों में किन दो भारतीय शहरों को शामिल किया गया? ग्वालियर संगीत क्षेत्र और कोंजीकोंड साहित्य क्षेत्र। अगला देखिए, सितंबर 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मछुआरों को सुरक्षा के लिए किस अभिनव उपकरण का सफल परीक्षण किया है? नभमित्र। सितंबर 2023 के आधार पर संबद्ध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना है नागालैंड। भारत में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब का दिसंबर 2023 में वहां पर उद्घाटन किया गया। गुरुग्राम आरोग्य मैत्री क्यूब प्रोजेक्ट का भीष्म का हिस्सा है। 1 सितंबर 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिसर को किसका दर्जा प्रदान किया गया? डीम्ड यूनिवर्सिटी का। सितंबर 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने। हैदराबाद स्थित नवाचार कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा सितंबर 2023 में किस नाम से भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया गया है? इंद्रजाल। अगला देखिए, 6 सितंबर 2023 को भारत के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? सांची मध्य प्रदेश। भारत में गठित की जाने वाली पहली दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ पर आयोजित किया गया? जयपुर में। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा हाल ही में किस भारतीय खगोल विज्ञान के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया है? अश्विन शेखर। अगला देखिए, भारतीय मूल की वह अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 11 जुलाई 2023 को वर्जिन गैलेक्टिक स्पेसशिप से अंतरिक्ष की यात्रा किया है? सिरिसा बांदला। अगला देखिए, जुलाई 2023 में जारी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 में भारत 2022 में बाघों की संख्या बढ़ाकर कितनी हो गई है? 3682। 1 अगस्त 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? उल्लास। उल्लास का फुल फॉर्म होता है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उष्मायन केंद्र किस विश्वविद्यालय में खोला जाएगा? कि केरल यूनिवर्सिटी ऑफ द फिशरीज एंड ओशन स्टडीज। अगस्त 2023 में किस राज्य में मैग्रो सेल की स्थापना की घोषणा की गई है? पश्चिम बंगाल। राजस्थान में किस स्थान पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है? कोटा में चंबल नदी के तट पे। अगला देखिए, भारत का वह शहर जो जुलाई 2023 में विश्व शहर कल्चर फोरम का सदस्य बनने वाला भारत का पहला शहर बना है? बेंगलुरु। 24 से 26 जुलाई 2023 के बीच कहां पर G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक का आयोजन किया गया है? चेन्नई। जुलाई 2023 में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मध्य प्रदेश में कहाँ पर 3 पायलट प्रोजेक्ट प्रशिक्षण स्कूल इंडिया फ्लाइंग अकादमी फ्लाई ओला एविएशन अकादमी हेलीकॉप्टर का शुभारंभ किया गया? खुजराहो। जुलाई 2023 में EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बना है इंदौर। इसके बाद 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा किस रॉकेट को चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किया गया? LBM
M3 M4। अगला देखिए, 12 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार के पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सा प्रणाली लॉन्च किया गया है? सागर संपर्क। अगला देखिए, भारत के किस राज्य ने हाल ही में हस्तशिल्प हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिम क्राफ्ट कर दिया? हिमाचल प्रदेश। अगस्त 2023 में यूएन ने वुमेन ने केरल सरकार के साथ किस पहल के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? महिला अनुकूल पर्यटक पहल। अगला देखिए, भारत में गठित की जाने वाली पहली दक्षिणी पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? जयपुर में। जून 2023 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लेवलिटी इंडेक्स 2023 में दिल्ली और मुंबई की कौन सी रैंक है? 141वीं। वह देश जहां आयोजित बस्तीन दिवस परेड में पिछले दिनों भारतीय सेना के तीनों अंगों ने हिस्सा लिया है? फ्रांस। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 30 जुलाई 2023 को किस देश के साथ उपग्रहों को PCLV-F6 प्रक्षेपण वाहनों से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? सिंगापुर। नई दिल्ली की लुटियन जोन का औरंगजेब सड़क का नाम पिछले दिनों बदलकर किसके नाम रखने की घोषणा की है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हाल ही में क्रेन नीति 2023 जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना हरियाणा। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? हीरासर। अगला देखिए, जुलाई 2023 में 6 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? गांधीनगर, गुजरात। 25 जुलाई 2023 को खुजराहो में आयोजित हेली शिखर सम्मेलन 2023 का विषय क्या था? रीचिंग द लास्ट माइकल रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर्स एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट। अगला देखिए, जुलाई 2023 में राजस्थान में किस स्थान का भारत का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है? कोटा में चंबल नदी के तट पे। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, भारत का वह शहर जो जुलाई 2023 में विश्व का शहर कल्चरल फोरम का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय शहर बना है? बेंगलुरु। अगला देखिए, निर्माणाधीन इंडिया म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग भारत में कहाँ पर से प्रारंभ हुआ है? मोरे मणिपुर। अगला देखिए दोस्तों, 24 से 26 जुलाई 2023 के बीच कहाँ पर G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक का आयोजन किया गया है? चेन्नई। अगला देखिए, 25 जुलाई 2023 को नागालैंड के राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद बनी है? हिकानी जुखालू। अगला देखिए, 19 से 21 जुलाई 2023 तक चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? इंदौर में। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, हाल ही में केंद्र महिला विकास मंत्रालय ने भारत के युवाओं को भविष्य के लिए उनकी आकांक्षाओं और सपनों को व्यक्त करने के लिए किसके साथ अमृत सृजन अभियान की शुरुआत की है? मेटा। मई 2023 में कहाँ पर देश के पहले बांस सुरक्षा केंद्र पर स्थापित किया गया? जयपुर। अगला देखिए, अप्रैल 2023 में राजस्थान की किन 3 वन्य जीव संरक्षण अभयारण्य की घोषणा की गई है? सोरसन बारा, खीचन जोधपुर और हमीरगढ़ भीलवाड़ा। अगला देखिए दोस्तों, 24 अप्रैल 2023 को सीमा सड़क संगठन ने उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित किस गांव को भारत का प्रथम गांव घोषित किया गया है? माड़ा गांव। अगला देखिए, यहां पे क्या है, अप्रैल 2023 में NTPCC ने किस राज्य में बांस आधारित जैव रिफाइनरी स्थापित करने हेतु अपने चैम्पोलिस इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? असम। अगला देखिए, 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर नमो चिकित्सक अनुसंधान संस्थान का लोकार्पण किया है? सिलवासा। अगला देखिए, दक्षिण एशिया की प्रथम मोबाइल बायो सुरक्षा लैब रामबान अप्रैल 2023 में कहां पर स्थापित की गई है? पणजी, गोवा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पिछले दिनों भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क किस राज्य में खोजा गया? उड़ीसा में। अगला देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2023 को किस राज्य में सिकल सेल एनीमिया उन्मेलन का उद्घाटन किया है, शुभारंभ किया है? तो शहडोल मध्य प्रदेश में। जून 2023 में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च किया गया है? चेन्नई में। अगला देखिए, 28 जून 2023 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? 126वीं। अगला देखिए, 30 जून 2023 को भारत की पहली स्वदेशी 700 मेगावाट की परमाणु ऊर्जा इकाई KA-PPP-3 का वाणिज्यिक संचालन किस राज्य में शुरू किया गया? गुजरात। अगला देखिए, जुलाई 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुए 23वें शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में किन देशों को आमंत्रित किया गया है? तुर्कमेनिस्तान। अगला देखिए दोस्तों, जुलाई 2023 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए की लागत वाली 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया गया है? राजस्थान में। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि सहकारिता से संचालित भारत के पहले सैनिक स्कूल की आधारशिला जुलाई 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पे रखा है? मेहसाड़ा, गुजरात। अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य में वन ट्रैप
वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश। अगला देखिए, हाल ही में किस भारतीय संस्थान द्वारा AI फॉर इंडिया T20 प्रोग्राम लॉन्च किया गया, IIT मद्रास और IIM अहमदाबाद। अगला देखिए, हाल ही में कहाँ पर स्थित खड़क नदी वैली प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान किया गया, उड़ीसा। अगला देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किसके साथ मिलकर अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है, इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी और इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स IIA। अगला देखिए, जून 2023 में जारी रॉयटर्स डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय मीडिया संगठन घोषित किया गया DD इंडिया को किस राज्य में स्थित मोयलारपुर बंदरगाह ने पिछले दिनों कांगो हॉडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, उड़ीसा में। अगला देखिए, जून 2023 में IMD द्वारा जारी 64वीं विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत को किल कितना, 40वीं। अगला देखिए, केंद्र शासित जम्मू कश्मीर मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित किस नाम से पहले चैट बॉट को लॉन्च किया, टेलीमानस। अगला देखिए, ट्रेवल एंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां सम्मेलन 6 से 9 जुलाई 2023 के बीच कहाँ पे आयोजित किया, कोलंबो श्रीलंका। अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गंडक गंगा नदी योजना शुरू की गई है, बिहार। अगला देखिए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री द्वारा जुलाई 2023 में 11वीं सदी के लिंगराज मंदिर के पुनरुद्वार के लिए किस परियोजना को प्रारंभ किया गया है, इकाई मारा परियोजना। अगला देखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में UGC द्वारा किन पोर्टल को लॉन्च किया गया, उत्साह और पॉप पोर्टल। अगला देखिए, वैश्विक सुपर कंप्यूटर सूची में 68वें संस्करण में भारत के कौन से सुपर कंप्यूटर को दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में शामिल किया है, एरावत। अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य की अराकू वैली कॉफी और काली मिर्च की जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, आंध्र प्रदेश। अगला देखिए, पिछले दिनों इंडिया पोस्ट पोस्ट के साथ अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक पैकेट सेवा के लिए समझौता करने वाला 39वां देश बना है, कनाडा। अगला देखिए, पिछले दिनों IIT ने कहाँ पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस खोलने की घोषणा की है, UAE के अबू धाबी में। AI उद्योग के लिए उड़ीसा स्थित समाचार केंद्र उड़ीसा TV ने हाल ही में किस नाम से भारत के पहले क्षेत्रीय AIR समाचार एंकर का अनावरण किया है, लीशा। अगला देखिए दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई है 127वीं। अगला देखिए, जून 2023 में किस निजी क्षेत्र को अंतरिक्ष वाहन कंपनी ने रमन फर्स्ट इंजन का सफल परीक्षण किया गया है, स्काई रूट एरोस्पेस। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए कि वह राज्य सरकार जिसने जुलाई 2023 में स्कूली छात्रों को निःशुल्क लाने और ले जाने के लिए स्कूल बोर्ड सेवा शुरू की गई है, त्रिपुरा। हाल ही में भारत के किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजा कोटा प्रोजेक्ट शुरू किया गया, असम में। 12 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार के पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की गई है, सागर संपर्क। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने मोटापे और मधुमेह के कंट्रोल को करने के लिए किस नाम से गेहूँ की नई प्रजाति की खोज की है, PWRS1। जून 2023 में QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग में छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर घोषित किया गया, मुंबई को। 19 जुलाई 2023 को लंदन स्थित कंपनी वन वेब और भारत के विशाल विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्ट साइट किस राज्य में खोलने से संबंधित समझौता हुआ है, गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई 2023 को किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है, छत्तीसगढ़ में। भारत की इस हवाई अड्डे पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस शुरू की गई है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। हाल ही में सभी प्रकार की सड़कों पर संचालन के लिए किस संस्थान द्वारा भारत का पहला 100% डाई मिथाइल ईथर संचालित ट्रैक वाटर का वाहन किया गया है, TFI और IIT कानपुर। अप्रैल 2023 में G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट का आयोजन कहाँ पर किया गया है, मेघालय में। पिछले दिनों फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया है, नेपाल। जुलाई 2023 में G20 वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिस्पर्धात्मक बैठक किस शहर में संपन्न हुई, गांधीनगर। अगस्त 2023 में देश की पहली ई स्पोर्ट अकेदमी को कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया, मध्य प्रदेश। 16 जुलाई 2023 को किस राज्य में बोनालू महोत्सव का आयोजन किया गया, तेलंगाना। भारत का वह पहला राज्य जिसने 5 जून 2023 को अपनी इंटरनेट सेवा प्रारंभ किया, केरल। जून 2023 में अरब सागर से उठा हुआ चक्रवाती तूफान जिसने गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई है,
बिपरजॉय। अगला देखिए, 2 जून 2023 को कोरोमंडल एक्सप्रेस बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे और मालगाड़ी की टक्कर कहाँ पे हुई थी, जिसमें 300 लोगों मारे गए, बालासोर। स्टार्टअप फॉर्म आईजी ड्रोन्स द्वारा हाल ही में किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है, स्काई वॉक। अगला देखिए, 22 जून 2023 को देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया, तेलंगाना और कोंडाकल गांव। अगला देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 जून 2023 को कहाँ पर बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया, श्रीनगर के लाल चौक से सटे प्रताप पार्क। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, 20 जून 2023 को नई दिल्ली में स्थित किस अस्पताल में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया है, सफदरजंग अस्पताल। सभी को सुलभ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने सीएम राइज स्कूल नामक शैक्षणिक पहल शुरू करने की घोषणा की है, मध्य प्रदेश। पिछले दिनों में राज्य के राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान को देश के 21वें IIM के रूप में मंजूरी मिलने के पश्चात कौन सा राज्य 2 IIM वाला देश का पहला राज्य बना, महाराष्ट्र। तमिलनाडु में स्थित टाइगर रिजर्व ने पिछले दिनों में एलिफेंट एडॉप्शन प्रोग्राम शुरू किया है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। संस्कृत विभाग द्वारा हाल ही में मध्य प्रदेश के किस मंदिर को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया है, गौदर देव मंदिर छिंदवाड़ा। अगला देखिए, अप्रैल 2023 में भारत सरकार ने सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन का संचालन किया, ऑपरेशन कावेरी। 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखा, तिरुवनंतपुरम केरल। मई 2023 में सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है, महाराष्ट्र। वह राज्य सरकार जिसने राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल मैदान परियोजना शुरू की गई, ये केरल। 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर देश की पहली जल मेट्रो की शुरुआत की, जो 10 द्वीपों को जोड़ता है, केरल में। भारत स्थित IIT ने तंजानिया के जंजीबार में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने की घोषणा की है, IIT मद्रास। पिछले दिनों में अपने कुछ क्षेत्रों में पानी के संकट के साधन के लिए पानी के बजट के लिए अपनाने वाला पहला राज्य बना है, केरल। 18 मई 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर राष्ट्रीय तटीय पुलिसांक अकादमी की स्थायी परिषद की आधारशिला रखी है, गुजरात में। 23 मई 2023 को जर्मनी में आयोजित 61वें अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में चुने गए दुनिया में किस सिर्फ 500 प्रमुख सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारतीय सुपर कंप्यूटर का 75वां स्थान दिया गया है, सी डैक पुणे में स्थापित सुपर कंप्यूटर इरावत को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कहाँ पर क्षेत्रफल के हिसाब से देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया, झारखंड। बेंच की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट है। किस राज्य की पंचायत मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायतों में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ मिशन की शुरुआत की, उत्तर प्रदेश। मई 2023 में एवरेस्ट की सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी करने वाले घुटनों से ऊपर ऊपर पहले विकलांग पर्वतारोही बने हरबुद्ध मागर। अगला देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 जून 2023 को किस देश की नौसेना को स्वदेशी मिसाइल युद्धपोत INS कृपाण भेंट करने की घोषणा की है, वियतनाम नौसेना। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 28 जून 2023 को जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा रैंक प्रदान किया, 67वीं। अगला देखिए दोस्तों, यहां पे क्या है कि वह राज्य केंद्रशासित प्रदेश जहां पर नशीली दवाओं को खतरे पे अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन कमल शुरू किया गया है, दिल्ली। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने किस समुदाय के लिए आजीविकों और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मो जंगल जामी नामक योजना शुरू की है, आदिवासी और वनवासी समुदाय। अगला देखिए दोस्तों, 26 अप्रैल 2023 को देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा शुरू की गई है, कोची केरल में। अगला देखिए, यहाँ पे जुलाई 2023 में उड़ीसा सरकार ने किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को मंजूरी दी है, कुई भाषा। अगला देखिए, 12 अप्रैल 2023 को भारत के फॉरेंसिक विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिषद कहाँ खोला गया, जिंजा युगांडा में। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, केरल स्थित मुन्ना हिल स्टेशन स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का पहला फार्नियर मिला है, एनारकुलम राष्ट्रीय पार्क। अगला देखिए, फार्नियम एक वनस्पति उद्यान संलग्न है जो फर्न के विकास और प्रदर्शन के लिए समर्पित है। अगला देखिए, लगातार दूसरी बार किसी भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 घोषित किया गया है, मुंबई को। अप्रैल 2023 में प्रकाशित इंडिया जस्टिक रिपोर्ट 2000 के मामले में कौन सा स्थान, कर्नाटक। अगला देखिए दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2023 में किस स्थान पर राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी, धारवाड़ कर्नाटक। अगला देखिए, संगम युगीन कलाकृतियों को प्रदर्शन के लिए किस राज्य में कालिंदी संग्रहालय साइट संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, तमिलनाडु।
अगला देखिए, भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म बिड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया? कर्नाटक के गडक में। अगला देखिए, बंदरगाह नौवहन जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनेलाल ने मार्च 2023 में जलमार्ग मंत्रालय के वास्तविक समूह के प्रदर्शन की निगरानी करने वाले किस डैशबोर्ड का उद्घाटन किया गया? सागर मंथन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप में अरे मेंटरशिप के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? मार्ग। अगला देखिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरी होने पर 7 से 8 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव आयोजित किया गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला देखिए, मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश की जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा कैटफिश की किस नई प्रजाति की खोज की गई है? एक्सटोमोमा द्वितीया। अगला देखिए, मार्च 2023 में हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली किस चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? कांगड़ा चाय। अगला देखिए, मार्च 2023 में भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना है? हरियाणा। अगला देखिए, 16 मार्च 2023 को राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बच्चे को जन्म दिया है? गंगा। हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किस रेजिमेंट में राष्ट्रपति के मानक प्रदान किया है? 4 बख्तरबंद रेजिमेंट को। अगला देखिए, मार्च 2023 में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के शीर्ष 50 इंजीनियरिंग संस्थानों को शामिल किया है? आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली। 21 मार्च 2023 को कलकत्ता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स द्वारा किस नाम की दूसरी एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट को लॉन्च किया गया है? INS एंड्रोथ। मार्च 2023 में RBI के गवर्नर कहाँ पर? केंद्रीय बैंक डेटा सेंटर कंप्यूटरिंग सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान की आधारशिला रखी है? भुवनेश्वर। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में भूमिगत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए किस नाम से ऐप लॉन्च किया गया? कॉल बिफोर यूडिंग। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, धन्यवाद।